Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on my channel, We Assist You Kapoor. इस चैनल पर हम क्लास 6th और क्लास 8th न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम एक नई सीरीज़ में चल रहे हैं जो कि है न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लास 7th। ये आपकी बुक है जिसको मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ। इसका फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इसके चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ये आपकी जो है लिटरेरी रीडर की बुक है और चैप्टर 2 है मोर दैन ट्रू। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत सारे बच्चों ने इसकी डिमांड करी थी। आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हूँ आपकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम ऑफ दी अदर प्रॉब्लम मैं इसके साथ आपके पास फाइनली पहुँच गई हूँ, समय नहीं पोस्ट कर पाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पर्टिकुलर चैप्टर को लिखा हुआ है और अब हम इसको समझेंगे। थोड़ा सा टिपिकल है ये चैप्टर समझने में, लेकिन मैं आपको इसे हिंदी में बताऊँगी और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी कवर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। मोर दैन ट्रू, यानी कि मोर दैन ट्रू का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि सच से भी ज़्यादा हो। मोर दैन ट्रू यानी कि जो कि सच से भी ज़्यादा हो, या फिर कुछ इसी सॉर्ट ऑफ सेंस यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है बेसिकली हमसे, ग्रैंड चिल्ड्रेन इन्जॉय द स्टोरीज टोल्ड बाई देयर ग्रैंड पेरेंट्स। आपको तो पता ही होगा या आपने कभी ना कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी या नाना नानी, वो आपको कहानियाँ सुनाते हैं और जो बच्चे होते हैं उनको ये कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। वाई डज दिस ग्रैंड फादर से दैट दे आर मोर दैन ट्रू। लेकिन यहाँ पर एक दादाजी हैं जो कि अपनी स्टोरीज सुनाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो कहानियाँ हैं वो सच से भी ज़्यादा सच हैं। अब दादाजी ऐसा क्यों कहते हैं, ये बात तो हमें स्टोरी पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। Grandpa, that more than truth you were talking about the other day is to be found only in fairyland. अब यहाँ पर एक बच्चा है जो कि दादाजी से पूछ रहा है कि दादाजी आपने स्टोरी के बारे में बताया था हमें, एक कहानी के बारे में बताया था, मोर दैन ट्रूथ। मोर दैन ट्रूथ एक कहानी के बारे में आपने हमें बताया था, और क्या ये जो कहानी है वो सिर्फ परियों के देश में पाई जाती है, फेरी लैंड यानी कि एक ऐसी जगह जो इमेजिनेशन में हो, जो रियलिटी में ना हो। तो बच्चा पूछता है कि क्या वो जगह सिर्फ फेरी लैंड में मिलती है क्या, या वो स्टोरी इस फेरी लैंड की है क्या जो आपने हमें सुनाई थी, वो क्या सच में नहीं हो सकता, वो सब कुछ वो इमेजिनेशन की स्टोरी थी क्या। नॉट एट ऑल माई डियर सेड आई। तो दादाजी क्या कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। There's a lot of it in this world of ours. दादाजी कहते हैं कि हमारी इस दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि इमेजिनरी लगेंगी लेकिन हैं। You only need to look, but of course you must have the eye to spot it. तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरत किस चीज़ की है कि तुम उसे देखो, तुम उसे ध्यान से देखो, लेकिन ज़रूर तुम्हारे पास एक ऐसी नज़र होनी चाहिए कि तुम उन चीज़ों को देख पाओ। यानी कि जादुई चीज़ें सिर्फ जादुई दुनिया में नहीं होती, वो इस दुनिया में भी होती हैं, बशर्ते तुम उस चीज़ को पहचानने की क्षमता रखते हो। ठीक है, कैन यू सी इट, बच्चा पूछता है, या बच्चा जो भी बच्चे बैठे हुए हैं वो पूछते हैं, दादाजी क्या आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। दैट्स वन पावर आई डू हैव, दादाजी कहते हैं वही तो एक ताकत है मेरे पास। I suddenly catch sight of things that aren't meant to be seen. कि मैं ऐसी चीज़ों को देख लेता हूँ जो आम लोगों को नहीं दिखती, जो आम लोग नहीं देख सकते, मैं ऐसी चीज़ों को भी देख लेता हूँ। तो असल में मैं आपको कोई कन्फ्यूज़न में नहीं रखूँगी और आपको बता दूँगी कि जो दादाजी हैं ये इमेजिन करते हैं चीज़ों को, और इमेजिनरी स्टोरीज़ जो है ये पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और बताते हैं, सुनाते हैं। बेसिकली हमने एक लॉरेंजो लिट्स करके एक पढ़ा था ना, हमने क्लास 6 में एक चैप्टर, उसमें भी एक इमेजिनरी दुनिया की बातें होती थी, एक मिस्टर इमेजिनेशन थे, उसमें भी इमेजिनरी दुनिया की बात होती थी, काल्पनिक दुनिया की बात होती थी। यहाँ पर दादाजी भी कुछ भी इमेजिन करते हैं और वही सब कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं, और बच्चे जो हैं वो सब कहानियाँ सुन के उनको बहुत मज़ा आता है। ये इस तरीके की कहानी है। ठीक है, चलिए। दैट्स वन पावर आई डू हैव, आई सडनली कैच, ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया कि मैं जो हूँ, दादाजी कहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ों को देख लेता हूँ जो देखने के लिए नहीं बनी होती है। बच्चे बैठे हुए दादाजी की कहानी सुन रहे हैं। ठीक है, वेन यू सिट बाई माई साइड लर्निंग योर जियोग्राफी आई रिमेंबर माई ओन स्टडीज़। तो दादाजी कहते हैं जब तुम मेरे पास में बैठ कर जियोग्राफी पढ़ते हो ना, तो मुझे अपना समय याद आ जाता है।
that Yangtze Kiang river of yours. Every time I read the name, it conjured up a kind of geography that was absolutely no use in passing exams. तो दादाजी कहते हैं जब भी तुम अपनी ज्योग्राफी पढ़ते हो और ज्योग्राफी में तुम एक नदी के बारे में पढ़ते हो जिसका नाम है यांगत्से क्यांग रिवर. इस नदी के बारे में जब भी तुम पढ़ते हो तो ये नाम पढ़ते ही, इस नाम को पढ़ते ही मेरे दिमाग में कॉन्जर्ड का मतलब होता है एक इमेजिनेशन आने लगती है, एक अचानक से दिमाग में कुछ क्रिएट होने लगता है और हम मैं एक ऐसी ज्योग्राफी के बारे में सोचने लगता हूँ जिसका एग्ज़ाम में कोई यूज़ नहीं है. यानी कि दादाजी जब भी बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ता हुआ देखते हैं और किसी रिवर का नाम सुनते हैं तो दादाजी को जो है पूरी इमेजिनरी चीज़ें याद आने लगती हैं और वो जो है एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचने लगते हैं जो असल में है ही नहीं. और क्योंकि वो दुनिया असल में है ही नहीं तो वो एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं जाएगी और एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं जाएगी तो एग्ज़ाम के लिए वो यूज़लेस है, नो यूज़ इन द एग्जाम पासिंग एग्ज़ाम्स. इवन नाउ आई कैन सी दैट लॉन्ग कैरवन विथ इट्स इनॉर्मस लोड ऑफ सिल्क. अब दादाजी ने अपनी कहानियाँ शुरू कर दी हैं और दादाजी ने फिर इमेजिन करके बताना शुरू कर दिया है कि अभी भी मैं देख सकता हूँ एक बड़ी सी कैरवन. कैरवन मतलब होता है एक तरीके की गाड़ी, एक बड़ी सी कैरवन है, गाड़ी है बड़ी सी, विद इट्स इनॉर्मस लोड ऑफ सिल्क, जिसमें बहुत सारा सिल्क लदा हुआ है. इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी बिग अमाउंट या बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें सिल्क रखा हुआ है. आई वंस फाउंड अ प्लेस ऑन द बैक ऑफ वन ऑफ दोज कैमल्स. फिर दादाजी ने कुछ और इमेजिन कर लिया और दादाजी ने बताया कि एक बार मैं एक कैमल के यानी ऊँट के पीठ पर बैठा था. तो दादाजी जो हैं कुछ भी इमेजिन करते हैं, कुछ भी सोचते हैं और वही कहानियाँ बच्चों को बता देते हैं. कम ऑफ इट ग्रैंडपा, आई नो यू नेवर रोड अ कैमल इन योर लाइफ. तो यहाँ पर जो बच्चे कहानी सुन रहे हैं ना उसमें से जो लड़की है, देखिए ये जो लड़की है ये बोलती है कम ऑफ इट ग्रैंडपा, अरे दादाजी रहने दीजिए, मुझे पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कैमल पे नहीं सवारी की है, कैमल पे ऊँट की सवारी आपने कभी भी नहीं की है. तो दादाजी जो है वो इस बच्चे के सवाल पे क्या जवाब देते हैं, रियली दीदी यू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस. अब कहते नहीं है कभी कभी बड़े लोग कहते नहीं हाँ हाँ दीदी जी ज़रूर, तो इसी तरीके से दादाजी भी इस बच्चे को टोकने के लिए कहते हैं अच्छा अच्छा दीदी तुम्हारे पास तो बहुत सवाल रहते हैं हमेशा. नेवर माइंड गो ऑन, व्हाट हैपेंड देन, वेयर डिड यू गेट अ कैमल फ्रॉम. अब क्योंकि वो लड़की जो है, जो बच्ची है, वो दादाजी को टोक रही है और दादाजी जो है उसको बोल रहे हैं कि तुम तो हमेशा ही सवाल करती हो. जो दूसरा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है वो कहता है नेवर माइंड, आप डोंट माइंड इट, आप इस चीज़ का ध्यान मत दीजिए, अब बताइए बताइए आप कहानी बताइए, आप बताइए क्या हुआ था, फिर आप ये बताइए कि आपको वो कैमल कहाँ से मिला था. यानी जो दूसरा वाला बच्चा है उसे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहता है कि क्या हुआ था. लेकिन ये जो बच्ची है, जो लड़की है, बार बार दादाजी को टोकती है और दादाजी से सवाल करती रहती है. ठीक है, अब जैसे ही बच्चे ने सवाल किया कि चलिए बताइए आपको कैमल कहाँ से मिला था, तो दादाजी ने कहा देयर अनदर क्वेश्चन ऑलरेडी. दादाजी कहते हैं देखो एक सवाल, एक का सवाल ख़त्म नहीं हुआ, दूसरे ने फिर सवाल पूछ लिया कि तो आपको कैमल कहाँ से मिला था. आई नेवर वरी अबाउट फाइंडिंग कैमल्स. दादाजी कहते हैं मैं ये सब नहीं सोचता हूँ कि मुझे कैमल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा. आई सिंपली क्लाइम ऑन टू वन. तो दादाजी कहते हैं मैं बस कैमल पर चढ़ जाता हूँ, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब मैं नहीं सोचता. क्योंकि दादाजी की कहानियाँ पूरी की पूरी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इमेजिनरी हैं, तो उसमें कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. जो मन में आए वो सोचो और जो मन में आए वो बोलते रहो. Whether or not I visit other lands, nothing stops me from traveling. That's the way I am. तो दादाजी कहते हैं कि कुछ भी हो मैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी ज़मीन पे, दूसरी धरती पे ट्रैवल करता रहता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और मैं ऐसा ही हूँ. दादाजी को कोई क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि दादाजी सब कुछ इमेजिन करते हैं और वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं और इसी वजह से दादाजी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सोचने वाला इंसान तो कुछ भी सोच सकता है, वो तो उसकी मर्ज़ी है. ठीक है ठीक है, अब बच्चे भी समझ गए हैं कि दादाजी कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी बोलते हैं. तो कहते हैं वेल व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. तो एक बच्चा उसमें से पूछता है अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद. आफ्टर दैट आई पास थ्रू सो मैनी ग्रैंड सिटीज़ वन बाय वन. दादाजी बताते हैं उसके बाद मैं ट्रैवल करता रहा और गुजरता गया कई सारी बड़ी बड़ी शहरों से, एक एक करके. फुंगचुंग, हांगचाओ, चुंगकुंग, आई क्रॉस सो मैनी डेजर्ट फाइंडिंग माई वे
एट नाइट बाई द स्टार्स। अब दादा जी बताते हैं कि वो कई सारे शहरों से गुजरे। अब वो जो शहर हैं उनके नाम दिए गए हैं, फुंगचुंग, हैंगचाओ, चुंगकुंग। इसके बाद दादा जी बताते हैं वो कई सारे जंगलों से भी गुजरे। आई फाइंड माई वे एट नाइट बाई स्टार्स, तारों की टिमटिमाहट से ही उनको रास्ता मिल रहा था और वो आगे बढ़ते जा रहे थे। एंड देन आई केम अपॉन द जंगल एट द फुट ऑफ उशकुश माउंटेन्स, पास्ट ओलिव ग्रूव्स, थ्रू वाइनयार्ड्स, अलोंग पाइन फॉरेस्ट आई फेल। तो देखो दादाजी कहते हैं उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मैं उशकुश माउंटेन पर पहुंचा। वहां पर जो है बहुत सारी झाड़ियां थी, बहुत सारे वाइनयार्ड्स थे यानी अंगूरों के गुच्छों वाले पेड़ थे और बहुत सारे पेड़ों, पाइन फॉरेस्ट भी एक तरीके का पाइन होता है, पेड़ होता है, बहुत सारे जो है वहां पर फॉरेस्ट थे। तो दादाजी ये सब बताते हैं, आई फेल अमंग थीव्स एंड अ ग्रेट वाइट बियर रोज ऑन इट्स हैंड लेग इन फ्रंट ऑफ मी। दादाजी बताते हैं उसी रास्ते पर मुझे कुछ चोर भी मिले और एक सफ़ेद कलर का भालू भी मिला जो इस तरीके से अपने हिंड लेग्स पर इन फ्रंट ऑफ मी खड़ा हुआ था, मतलब इस तरीके से रोज हो गया, मतलब खड़ा हो गया, अपने आगे वाले हाथों को ऊपर करके और पैरों पर खड़ा हो गया। When did you find the time to wander like that? अब उसमें से एक बच्चा पूछता है कि दादाजी आपको इतना समय कब मिलता है कि आप इस तरीके से घूम फिर पाएँ। ओह आई ट्रैवल्ड वाइल द क्लास वॉज बिजी विद द एग्ज़ाम्स। तो दादाजी कहते हैं मैं ट्रैवल तब करता हूँ जब पूरी की पूरी क्लास एग्ज़ाम दे रही होती है, यानी जब वो छोटे थे और वो स्कूल में पढ़ते थे तो सब बच्चे जब एग्ज़ाम देते थे तो दादाजी कुछ कुछ सोचते रहते थे उल्टा सीधा, और वो यही सब चीज़ें सोचते थे। बट हाउ डिड यू पास द एग्ज़ाम्स देन? तब एक बच्चा पूछता है कि फिर दादाजी अगर आप एग्ज़ाम नहीं लिखते थे और ये सब चीज़ें सोचते थे तो आप एग्ज़ाम में पास कैसे होते थे? दैट्स ईजी, आई नेवर डिड पास। तो दादाजी कहते हैं तो आसान बात है ना, जब मैं ये सब सोचूंगा तो मैं पास तो हो नहीं पाऊंगा, यानी कि मैं तो फेल हो जाता था। ऑल राइट गेट ऑन विद द स्टोरी। अब एक बच्चा कहता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बताइए, चलिए स्टोरी बताइए कि फिर क्या हुआ। नाउ शॉर्टली बिफोर आई सेट आउट ऑन दैट जर्नी आई हैड रेड इन द अरेबियन नाइट्स अबाउट द ब्यूटिफुल प्रिंसेस ऑफ चाइना। तो दादाजी बताते हैं बस कुछ ही समय पहले जब मैं इस जर्नी पे निकला, यानी जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था उससे कुछ ही समय पहले, बहुत जल्दी ही उससे, आई हैड रेड इन द अरेबियन नाइट्स, मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था अरेबियन नाइट्स, और उस बुक में मैंने एक ब्यूटिफुल प्रिंसेस ऑफ चाइना के बारे में पढ़ा था, चाइना की एक राजकुमारी के बारे में मैंने उस किताब में पढ़ा था। एंड वंडर ऑफ वंडर्स आई चांस्ड अपॉन हर इन माई ट्रैवल्स ऑन द बैंक ऑफ द फुकचाओ रिवर। दादाजी कहते हैं और लकीली चांस वंडर ऑफ वंडर्स का मतलब देखो किस्मत की बात, देखो बहुत किस्मत से मैं उस राजकुमारी से मिल पाया जब मैं फुकचाओ रिवर के पास से जा रहा था, तो मेरी मुलाकात बाय चांस उस प्रिंसेस से हो गई। द लैंडिंग प्लेस वॉज पेव्ड इन मार्वल्स, जो जगह थी वहाँ पर जहाँ पर लैंडिंग कर सकते थे, जहाँ उतर सकते थे, वो वहाँ पर बहुत सुंदर से मार्बल्स लगे हुए थे, सुंदर से पत्थर लगे हुए थे। लीडिंग अप टू द पेविलियन ऑफ ब्लू स्टोन, पेविलियन ऑफ ब्लू स्टोन्स मतलब कहीं वहाँ पर एक ब्लू स्टोन्स का भी डेकोरेशन रहा होगा और एक बहुत सुंदर सी जगह थी। देयर वॉज अ चंपक ट्री ऑन ईस्ट साइड, और जो रिवर है, जो नदी है, उसके पास किनारे किनारे चंपक ट्री था, और विद अ स्टोन लायन ऑफ एट इट्स फुट, जिसके पैरों के पास, जिसके पेड़ के नीचे ही पत्थर के लायन बने हुए थे जो कि अपने पैरों पे खड़े हुए थे। इनसेंस बर्न इन गोल्ड सेंसर्स, आगे हम क्या कहा गया कि वहाँ पर ठीक है चंपक ट्री हो गया, लायन हो गया। अब इंसेंस का मतलब होता है एक तरीके से खुशबू करने वाली कोई चीज़। बर्न्ड इन गोल्ड सेंसर्स, सेंसर्स मतलब होता है कंटेनर, एक ऐसा बर्तन जिसमें कोई चीज़ रख के जलाई जाती है और उससे खुशबू निकलती है। जैसे हम लोग अक्सर जो है अगरबत्ती लगा देते हैं, अगरबत्ती लगाने के लिए भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम अगरबत्ती को इंसर्ट करके रख सकें। कभी कभी हम धूप बत्ती जलाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा बर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसेंस बर्न हो रहा है, यानी कि खुशबू करने वाला कोई मटेरियल जलाया जा रहा है जो कि गोल्ड सेंसर्स में जलाया जा रहा है। गोल्ड सेंसर यानी सोने के बर्तन में कोई ऐसी चीज जलाई जा रही है जिससे खुशबू निकल रही है। एंड द स्मोक रोज इन कॉइल्स, और उसी में से धुआं निकल रहा है और वह धुआं जो है ऐसे गोल गोल लच्छे बना रहा है। गोल गोल लच्छे का मतलब क्या है कि एक इस तरीके का कोई बर्तन होगा, उस बर्तन में कोई चीज जलाई जा रही होगी और उसमें से इस तरीके से जो है धुआं उठ रहा होगा। तो यहां पर यह जो बर्तन है, ये गोल्ड सेंसर
मेटल्स है, यानी कि गोल्ड का एक बर्तन है, और इसमें जो है जो सामान जलाया जा रहा है उसे कहा जाता है इंसेंस, और जो धुआं उठ रहा है उसी को क्या कहा जा रहा है, कॉइल्स। तो कहा जा रहा है कि वो जो कॉइल्स हैं उस वो जो है ऊपर उठ रही हैं उस बर्तन से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वन मेड वॉज डूइंग अप द प्रिंसेस हेयर्स। अब वहाँ पर एक नौकरानी होगी उस महारानी की, जो कि प्रिंसेस के जो हेयर हैं, राजकुमारी के जो बाल हैं, उसको सही कर रही है। वाइल टू अदर फैंड हर, बाकी जो दो हैं वो राजकुमारी को पंखा कर रही हैं। वन विद अ याक्स टेल, और एक जो पंखा करने वाली मेड है वो याक, आप जानते हैं याक क्या होता है, याक की पूंछ से पंखा कर रही है, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है वहाँ पर है, क्योंकि वो राजकुमारी की जगह है। आई सम हाउ अपीयर्ड बिफोर हर ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से क्या होता है कि ये जो दादाजी हैं ये उस राजकुमारी के सामने आ जाते हैं। शी वॉज फीडिंग हर मिल्क वाइट पीकॉक विथ पोमोग्रेनेट सीड्स। तो जो राजकुमारी होती है वो क्या कर रही होती है, उसके पास एक पीकॉक होता है, एक मोर होता है जो कि मिल्क वाइट कलर का होता है, बिल्कुल वाइट कलर का होता है, वो उसे पोमेग्रेनेट सीड्स खिला रही होती है, यानी कि पोमेग्रेनेट का मतलब होता है अनार, अनार के जो रेड वाले जो सीड्स होते हैं जिसको हम खाते भी हैं, वो जो है अपने पीकॉक को खिला रही होती है उस समय राजकुमारी। शी गेव अ स्टार्ट एंड आस्क्ड, अब जैसे ही वो दादाजी को देखती है तो वो बात शुरू करती है और पूछती है हु आर यू, तो राजकुमारी क्या पूछती है दादाजी से कि आप कौन हैं। आई रिमेम्बर इन अ फ्लैश आई वॉज द क्राउन प्रिंस ऑफ बंगाल। फिर अचानक दादाजी को याद आता है कि दादाजी जो हैं क्राउन प्रिंस ऑफ बंगाल हैं, यानी वो बंगाल के जो हैं राजा हैं। तो ये बात अचानक से दादाजी को याद आई, हाउ कुड दैट बी यू आर ओनली, तो उसी में से एक बच्चा अचानक सवाल करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो एक बच्चा जैसे सवाल करते हुए सवाल पूरा ही करने वाला होता है। दादाजी उसको रोक देते हैं और कहते हैं क्वेश्चंस अगेन, फिर सवाल और बार बार सवाल पूछते हो तुम लोग। आई एम टेलिंग यू आई वॉज अ क्राउन प्रिंस ऑफ बंगाल फॉर दैट डे, मैं बता रहा हूँ ना तुमको कि मैं उस दिन क्राउन प्रिंस ऑफ बंगाल था, एंड दैट्स वॉट सेव मी, और इसी बात ने मुझे बचा लिया, अदरवाइज शी वुड हैड मी थ्रोन आउट ऑफ देयर एंड देन, अगर मैं ये बात नहीं बोलता तो वो जो प्रिंसेस है वो मुझे वहीं से बाहर निकाल के फेंक देती। इंस्टेड शी गेव मी टी इन गोल्डन कप, लेकिन दादाजी ने क्योंकि बताया कि वो क्राउन प्रिंस ऑफ बंगाल हैं, तो उस प्रिंसेस ने क्या किया, उस प्रिंसेस ने उनको जो है गोल्डन कप में, यानी सोने के कप में जो है चाय दी, है ना, क्रिसैंथेमम्स, मतलब क्रिसैंथेमम्स जो है वो एक तरीके से चाय पत्ती, और उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि जो चाय थी उस कप में उसमें कौन कौन से मटेरियल पड़े थे, ये सब इमेजिनरी मटेरियल्स हैं जो कि दादाजी इमेजिन करते हैं, इसलिए इनके नाम्स भी अजीब हैं। बियरिंग द मोस्ट मार्वलर्स सेंट, अब उस चाय में से जो है बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी, और वो सोने के कप में चाय थी, और यहाँ पर दादाजी को उस प्रिंसेस ने वो चाय ऑफ़र करी है। ये दादाजी हैं और वो जो हैं इस के ऊपर बैठे हुए हैं, कैमल के ऊपर, जैसा कि हमको बताया गया था, ठीक है। तो ये दादाजी हैं और ये प्रिंसेस है, उसका वाइट पीकॉक है, मिल्क वाइट पीकॉक। अब वहाँ पर एक बच्ची जो है वो पूछती है डिड शी मैरी यू आफ्टर ऑल दैट, बच्ची पूछती है दादाजी क्या उस प्रिंसेस ने आपसे शादी की। Now that's something very secret. Nobody knows to this day. दादाजी कहते हैं ये बहुत सीक्रेट बात है और ये बात कोई नहीं जानता, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। कुसमी क्लैप्ड हर हैंड्स, तो वो जो बच्ची बैठी हुई है वहाँ पर कहानी सुन रही है, उसका नाम है कुसमी। तो कुसमी जो है तालियाँ बजाने लगती है, इट हैपेंड आई नो इट हैपेंड, तो कहती है हुई होगी, ज़रूर हुई होगी। यू मैरी द प्रिंसेस इन अ वेरी ग्रैंडस्ट वे, मुझे पता है कि आपने उस राजकुमारी से बहुत आलिशान तरीके से शादी की होगी। प्लेनली she would be very upset if it didn't work out like that. आप दादाजी काफ़ी स्टाइल मारते हुए कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, बहुत आम बात है कि अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो वो जो प्रिंसेस थी वो बहुत उदास हो जाती। Yes, in the end she married me all right. तो बता देते हैं दादाजी कि हाँ हाँ आखिरी में उसने मुझसे शादी की थी। I got my princess अंगचानी, प्रिंसेस का नाम होगा अंगचानी, तो वो कहते हैं हाँ मुझे मेरी राजकुमारी अंगचानी मिल गई, एंड हाफ द किंगडम ऑफ होंग चाओ एज वेल, और मुझे वहाँ का जो किंगडम था, जो राजपाट था होंग चाओ, वो भी मिल गया, आधा किंगडम।
एंड देन उसके बाद क्या हुआ, दादाजी बताने ही वाले हैं. देन वॉट डिड यू सेट ऑफ ऑन योर कैमल अगेन? तभी अचानक से एक बच्चा सवाल करता है, फिर क्या हुआ दादाजी, आप वापस से अपने कैमल पे बैठे, आप उस ऊँट की सवारी दोबारा की आपने? एज हाउ डिड आई कम बैक टू योर ग्रैंडपा? दादाजी ने कहा, अरे हाँ बिल्कुल की होगी ना, अगर नहीं करता तो मैं तुम्हारे पास वापस कैसे आता और तुम्हारा दादाजी कैसे बनता? मैंने ऊँट की सवारी तो की ही थी. येस आई क्लाइम्ड बैक ऑन माई कैमल. दादाजी कहते हैं हाँ मैं वापस उस कैमल पर चढ़ गया. द कैमल देन वेंट नो वेयर, और कैमल कहीं भी नहीं गया. द फुंगसुंग बर्ड फ्लू कैरोलिंग ओवर माई हेड, और वहीं पर एक फुंगसुंग बर्ड थी जो मेरे सर के ऊपर गाना गाते हुए जा रही थी. द फुंगसुंग बर्ड वेयर डज इट लिव? तो अचानक से एक बच्चा पूछता है कि फुंगसुंग बर्ड वो कौन होती है और वो कहाँ रहती है? ओ इट लिव्स नो वेयर, बट इट्स टेल फेदर्स आर ब्लू, इट्स विंग्स येलो एंड देयर इज अ ब्राउन पैच ऑन इट्स शोल्डर. दे फ्लू ऑफ इन ग्रेट नंबर्स एंड पर्च ऑन हैंग चैंग ट्री. तो दादाजी कहते हैं वो कहीं भी नहीं रहती. एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें दादाजी बता रहे हैं वो सब मनगढ़ंत है, वो सब इमेजिनरी है, इसलिए दादाजी को पता ही नहीं है कि वो बर्ड फुंगसुंग बर्ड कौन है, कहाँ रहती है, ऐसी कोई बर्ड है भी कि नहीं है. तो दादाजी कहते हैं कि वो कहीं नहीं रहती, पर उसकी जो टेल और फेदर्स हैं वो ब्लू कलर के हैं. यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसके टेल जो हैं ब्लू कलर के हैं और उसके जो विंग्स हैं वो येलो कलर के हैं, और उसके ऊपर जो उसके जो कंधे हैं उस पर एक ब्राउन कलर का थप्पा लगा हुआ है, और वो जो है बहुत ज़्यादा एक साथ कई नंबर्स में बहुत सारी बर्ड्स एक साथ फ्लू करती हैं. और पर्च्ड का मतलब होता है बैठ जाना, फिर वो बैठ जाती हैं कहाँ पर, हैंग चैंग ट्री के ऊपर. तो पर्च्ड का मतलब क्या होता है, बैठ जाना. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस हैंग चैंग ट्री. तो अचानक से एक बच्चा सवाल करता है कि मैंने इस हैंग चैंग ट्री के बारे में कभी नहीं सुना. नॉर हैव आई, आई ओनली जस्ट थॉट ऑफ इट एज आई वॉज टेलिंग यू द स्टोरी. तो दादाजी कहते हैं मैंने भी कौन सा सुना है इस पेड़ के बारे में, मैंने भी नहीं सुना है, मुझे मेरे ख्याल में अचानक से ये पेड़ आया जब मैं तुम्हें कहानी सुना रहा था. दैट्स द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम, और मैं ऐसा ही आदमी हूँ, जैसे ही मुझे कोई चीज़ याद आती है, कोई चीज़ दिमाग में आती है, मैं तुरंत उसे बता देता हूँ. आई एम नेवर रेडी बिफोर हैंड, मैं पहले से कोई कहानी तैयार करता नहीं हूँ, जो अचानक मेरे दिमाग में आता जाता है मैं बताता जाता हूँ. आई टेल यू वट एवर आई सी इवन एज आई एम सींग इट. तो दादाजी कहते हैं जो भी मैं देखता हूँ और जो मैं देख रहा होता हूँ वो मैं आप तुमको तुरंत तुरंत बताता जाता हूँ. टुडे माई फुंगसुंग बर्ड हैज़ फ्लोन अक्रॉस द सी. आज मेरी मैं देख पा रहा हूँ कि आज जो मेरी फुंगसुंग बर्ड है वो जो सी है, जो नदी है, जो समुद्र है, वो उसके पार चली जाएगी. आई हैवन्ट हैड न्यूज़ ऑफ इट फॉर एजेस, और उसके बाद मुझे उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिलेगी बहुत टाइम तक. बट वॉट अबाउट योर मैरिज एंड द प्रिंसेस? तभी एक बच्चा सवाल करता है कि फिर क्या हुआ आपकी शादी और आपकी प्रिंसेस का? आई वॉन्ट आंसर यू दैट माई डियर. दादाजी कहते हैं मैं उसका जवाब तुम्हें नहीं देने वाला. सो यू बेटर स्टॉप आस्किंग, तो बेहतर होगा कि अब तुम लोग सवाल करना बंद कर दो. एंड एनी वे यू मस्ट नॉट लेट इट अपसेट यू, यू वरेंट इवन बॉर्न देन रिमेंबर. तो दादाजी कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा और तुम ज़्यादा उदास भी मत होना, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे. ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, और इस स्टोरी का ऐसा कोई खास मतलब नहीं है. ये दादाजी की मनगढ़ंत कहानियों पे बेस्ड है कि दादाजी कुछ भी इमेजिन करते हैं, मनगढ़ंत कुछ भी बच्चों को सुनाते रहते हैं और बच्चे उसे सुनते रहते हैं और उससे सवाल करते रहते हैं, और दादाजी का उसमें से जवाब देना ना देना दादाजी के ऊपर डिपेंड करता है. और इस तरीके से दादा बच्चों को इंटरटेनमेंट देते रहते हैं, एंटरटेन करते रहते हैं. तो आई होप कि ये जो डिफ़िकल्ट चैप्टर था आपको समझ में आ गया होगा और आपकी फाइनली डिमांड पूरी हो गई होगी. तो यहाँ पर दादाजी हैं और ये जो दो बच्चे हैं इसका नाम कुसमी है और ये ग्रैंडफादर हैं और ये दूसरा वाला बच्चा है. तो हमने इसको पढ़ लिया है. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जो आपकी दिक्कतें थी वो मैंने सॉल्व कर दी होंगी. वी असिस्ट यू कपूर से जुड़े रहिए क्लास 7 के सभी वीडियोज़ को कवर करने के लिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर.